फिरोजाबाद में पुलिस लाइन के सामने भोजन की थाली हाथ में लेकर एक सिपाही ने जमकर हंगामा किया। वहीं इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सिपाही मेस के खाने की क्वालिटी दिखाते हुए फूट फूट कर रो रहा है। वह लोगों को रोटी दिखाते हुए कह रहा है कि इनको झाड़ कर देखिए, इनसे क्या निकल रहा है, इसको कोई कैसे खा सकता है, ये दाल देखिए, इसमें सिर्फ पानी पड़ा है और कुछ भी नहीं। तो वहीं सिपाही ने कहा कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ, लेकिन कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा, मैं इससे अच्छा संसार छोड़कर चला जाऊँ, घुट घुट कर जीना बेकार है। वही इस दौरान वहां मौजूद किसी शख्स ने यह वीडियो बना लिया। वही मामले की जानकारी होते ही तत्काल पुलिस फोर्स भेजकर सिपाही को पुलिस लाइन लाया गया, जहां एसएसपी ने मामले की जांच सीओ हीरालाल कनौजिया को सौंपी है। ब्यूरो रिपोर्ट आईटीएन। यदि आज भी यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता चंदी है तो बता दीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूं, मैं किससे कह दूं, या मेरे माँ बाप थोड़ी है। इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही मौजूद द्वारा, कंडा द्वारा, मैस मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाली को, तुझे घर की जनता के इतना चला गया। तो यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, मेरे साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटी बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस।